हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रूजिंग माइल्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ पे स्टे किए थे, गुलमर्ग में। और छोटा सा रूम टूर दूंगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, हल्का सा रूम के बारे में बताऊंगी एंड होटल के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रुक रही हूँ यहाँ पे कोलाई ग्रीन हाइट्स। ये गुलमर्ग के मार्केट से थोड़ा सा आउटसाइड में है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें तो पास पास ही हैं। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी हमें, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। और मैं ये लास्ट डे वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे सकूँ। तो बेसिकली ये जो होटल है ये 4-स्टार प्रॉपर्टी है। तो सो गुलमर्ग में 5-स्टार एक ही रिसॉर्ट है, दैट इज़ खैबर। सो उसमें बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट पर, और आपको एटलीस्ट 3 to 4 months पहले उसकी बुकिंग करानी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, ये 4-स्टार प्रॉपर्टी है कोलाई ग्रीन हाइट। और बाहर से होटल कुछ ऐसा दिखता है। सो ये है बाहर का व्यू एंड वो सबसे ऊपर वाला रूम जो है वो हमारा है, दैट इज़ क्लब रूम। और व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से, इस साइड पाइन ट्री है और इनका अपना इग्लू भी है जो अभी कंप्लीट नहीं है, वो एक्चुअली 1 week के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आते हो तो आप इग्लू में भी रुक सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट हमारे लिए वो नहीं रहा। और होटल जो है वो कम्प्लीटली सेंट्रली हीटेड है, तो मतलब अंदर आपको वेदर काफ़ी ठीक लगेगा, मतलब ठंड नहीं लगेगी। और बाहर तो आप देख ही रहे हो कि गुलमर्ग की हालत क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नो है। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। रिसेप्शन एरिया और द रेस्टोरेंट है यहाँ पे। आप जल रही है जब आप बाहर जाते तो ठंड लगती है, तो दैट्स व्हाई हल्का छोटा सा सिटिंग एरिया है। देन आई टेक यू टू द रूम। सो हमारा जो रूम है वो है 3rd floor पे, मतलब सबसे ऊपर। बाहर का एरिया कुछ ऐसा है। सो ओवरऑल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मतलब चेक इन कर सकते हैं। आज हमारा चेकआउट है ना, दैट्स व्हाई मैं चेकआउट कर रही हूँ। सो दिस इज आवर रूम। और सो ये हमारा रूम इन गुलमर्ग इन द होटल कोलाई ग्रीन हाइट्स। और ये जो रूम है ये प्रीमियम रूम है यहाँ का, क्लब रूम है। ओके, दिस इज द क्लब रूम। और रूम की एंट्री ऐसे है, और एंट्री होते ही यहाँ पे आपको एकदम लंबा सा, मतलब लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी कम है रूम की, बट लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। एंट्री होते ही यहाँ पे अच्छा खासा बेड है और काफ़ी अच्छे से, लाइक जो इसका सीनिक है कश्मीरी काइंड ऑफ, इसके जो भी आर्ट वगैरह है वो ढंग से है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस साइड जो है आपके स्टोरेज के लिए है कबर्ड एंड जो भी आप सामान वगैरह लाते हो। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, दिस इज द मिरर जहाँ पे आप मेकअप कर सकते हो। और ये जो इतना सारा प्लेस है वो क्यांश यहाँ पे खेल सकता है, जो वो ऑलरेडी प्ले कर रहा है। और फिर आते जाइए आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, चेयर है। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है, और पूरा वाइट दिख रहा है अभी, ऐसा स्नो का ऐसा लग रहा है, चादर है और काफ़ी खूबसूरत है। और इट्स खोलने के बाद जो है ना हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है बाहर का वो काफ़ी लो है। और ये है वॉशरूम, और ये रहा आपका बेसिन वाला एरिया। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज है एंड आई डोंट नो मैं कितना नहाने वाली हूँ, बिकॉज मे बी मैं नहा लूँ, क्योंकि अंदर तो ठंड नहीं लग रही है बट बाहर तो काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल रूम अच्छा है, रूम से आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा।
जैसे कि आज धूप निकली है तो काफी अलग है, जब स्नो पड़ रही थी तो काफी अलग था. सो दैट्स ऑल फॉर द रूम टूर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा और आपको हमारे रिकमेंडेशंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रूजिंग माइल्स, और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर.